एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के परीक्षा के तैयारी से संबंधित है। जैसा कि आपको जानकारी है कि किसी भी परीक्षा के तैयारी के लिए उस परीक्षा के पिछले साल के प्रश्नों को देखना अति आवश्यक हो जाता है। कम से कम 3 साल का अगर पेपर देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अनुमान लग जाता है कि आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिससे कि आप आधार बनाकर परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आपका हम परीक्षा की तैयारी करने के लिए 2021 में पूछे गए प्रश्नों का हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसके आसानी से आप जो है तैयारी कर सकें। तो यहाँ जो भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पेपर, वह है बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2021 का पेपर है। और पेपर है पहला, जिसका कोड है F1 और नाम है समाज शिक्षा और पठचर्या की समझ। तो देखिए ये पेपर क्या है, यहाँ पे इसी तरह सबसे ऊपर कोड लिखा रहेगा, उसके बाद लिखा रहेगा बिहार डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष 2022, और उसके नीचे लिखा है डीएलएड फेस टू फेस फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021, और फिर लिखा है समाज शिक्षा पठचर्या की समझ, ये विषय का नाम है। और फिर यहाँ उसी का इंग्लिश में दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या 11 होगी और समय मिलेगा 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे में आपको जो है सभी प्रश्नों का जवाब देना है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे ऊपर, देखिए विद्यार्थियों को लिए निर्देश, और निर्देश यह है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। और दूसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, खंड क और खंड ख। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो है पहला पेपर होगा F1, उसमें प्रश्न जो है 2 प्रकार के होंगे, एक है खंड क और दूसरा है खंड ख। आगे देखिए तीसरा नंबर पर लिखा हुआ है कि खंड क में विकल्प के साथ 6 प्रश्न दिए गए हैं। पुनः ध्यान सुनिए, खंड क में विकल्प के साथ 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 5 प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में ही देना है। ध्यान दीजिए कि अगर 6 में 6 नहीं देना है, 6 प्रश्न दिए रहेंगे उसमें सिर्फ 5 ही प्रश्नों का दिया रहेगा और उसका जवाब 75 से 100 शब्दों में ही देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो आगे देखिए क्या है, अगला है खंड ख। खंड ख में कुल जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, और इसमें कह रहा है कि खंड ख में कुल 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, और ये जो है 10-10 अंक के निर्धारित हैं। पूरा सुन लीजिए, खंड ख में 5 प्रश्न है और उसमें से 4 ही का उत्तर देना है, और यह जो है 10-10 नंबर का है। तो इस प्रकार खंड क में क्या है, 6 प्रश्न है और 5 का जवाब देना है, और खंड ख में यानी कि बी में 5 प्रश्न है, जवाब जो है 4 ही का देना है। खंड क में आपका 5 अंक का प्रश्न है और खंड ख में 10 अंक का प्रश्न है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है 5वां नंबर, इंटरेस्टिंग है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः जो है वर्जित है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन चालू हो जाता है, 2021 का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है लघुत्तरीय प्रश्न खंड क, और लिखा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला लिखा हुआ है सभी समाज के लिए बच्चों का बचपन महत्वपूर्ण होता है क्यों, सभी समाज के लिए बच्चों का बचपन महत्वपूर्ण होता है क्यों स्पष्ट करें। और इसी में दिया हुआ है शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार को स्पष्ट करें, मतलब कि इन्हीं में से दोनों में से किसी एक को लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है समाजीकरण से आप क्या समझते हैं वर्णन करें, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं वर्णन करें, या क्या विद्यालय भी बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्पष्ट करें। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, इसमें लिख रहा है कि बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की क्या भूमिका होती है, बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की क्या भूमिका होती है स्पष्ट करें, अथवा बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है स्पष्ट करें। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के मूल्य के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, शिक्षा के मूल्य के बारे में आपकी क्या अवधारणा है स्पष्ट करें, या क्या सीखना सिर्फ शांत होकर हो सकता है, अथवा शोर में भी सीखने में कई संभावनाएँ हैं विश्लेषण करें। तो इस प्रकार 4 यहाँ प्रश्न हो गया, और हर एक प्रश्न में देखिए एक एक अथवा दिया है, मतलब दोनों उसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए पेपर पेज नंबर 2 आ गया, और यहाँ कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन है
सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है उदाहरण सहित स्पष्ट करें, अथवा विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है कैसे। और छ है कि अक्षर ज्ञान और शिक्षा में गांधी जी ने किस प्रकार अंतर किया स्पष्ट करें। अक्षर ज्ञान और शिक्षा में गांधी जी ने किस प्रकार अंतर दिया स्पष्ट करें। और अगला इसी में अथवा है कि ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख करें। तो इस प्रकार देखिए यहाँ 6 प्रश्न समाप्त हो गया, 6 में अथवा दिया है, लेकिन 6 में से सिर्फ 5 ही का आपको जवाब जो है देना है। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि खंड ख, इसमें कह रहा है यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न को 200 से 250 शब्द में उत्तर दें, कि इन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, मतलब कि 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 नंबर के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के लिए पृथक पटचर्या क्यों है, बिहार के लिए पृथक पटचर्या क्यों है स्पष्ट करें। और 8वां है, दिवा स्वप्न पुस्तक में गिजू भाई बधेका ने बाल मन को गहरी संवेदनाओं को उकेरा है जो एक शिक्षक को सीखने के लोकतांत्रिक वातावरण तैयार करने की बेहतरीन शिक्षा देती है। इस कथन को दिवा स्वप्न पुस्तक में दिए गए दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करें। और इसके बाद जो है देखिए यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, और 8वां के बाद जो है 9 नंबर पर क्वेश्चन है, उसमें बताया गया है कि बच्चों का अनुभव स्वयं में ज्ञान का महत्वपूर्ण है, बच्चों का अनुभव स्वयं में ज्ञान का महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए, विश्लेषण करें। और 10 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सुझाई गई शिक्षा की अवधारणा को प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, ये भी 10 नंबर का है। और 11 नंबर में टिप्पणी लिखना है, यहाँ कह रहा है कि टिप्पणी में जो है देखिए 5 है, इन्हीं 2 पर है, मतलब 1-5 का है, और टिप्पणी में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 पर टिप्पणी लिखें, जॉन डीबी, और ख है पाठ्यचर्या संरचना के सिद्धांत, और ग है जे कृष्णमूर्ति। 3 क ख ग में सिर्फ 2 ही का लिखना है जवाब, कोई भी आप 2 का उत्तर दे सकते हैं, और दोनों और ये है 5-5 मिलाकर 10 अंक आपका हो जाएगा। इस प्रकार जो है 11 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस प्रकार देखिए इस क्वेश्चन को देखने से आप बिल्कुल ही इस साल जो है आप बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सहायता जो है मिल सकती है कि इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपका बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। अगली वीडियो में बिहार डीएलएड की तैयारी हम कैसे करें, कम समय में कैसे करें, अच्छे से अच्छा कैसे अंक हम लाएं, ये सभी चीज़ों की जानकारी हम देते रहें।